उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जिसका नजारा मुरादाबाद के जिला प्रशासन में देखा जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलविहीन संपन्न कराने के साथ भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछली परीक्षाओं में कोई पेपर लीक के बाद अब प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता और सभी को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के साथ इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुवार को मुरादाबाद के हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराई गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य श्यामा कुमार ने किया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मुरादाबाद जनपद में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि सभी परीक्षा केंद्र के प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई जिससे काफी समस्याएं पैदा हुई, वह गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं और जो कमियां हैं उनका सुधार हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम सबको काम करना है। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो और नकल विहीन हो, ऐसे में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग कर इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। जो 113 परीक्षा केंद्रों पर बटे हुए और व्यवस्था के समुचित संचालन के लिए 113 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट और उनके साथ पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं। बेसिकली हर केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक होंगे, एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक होंगे और उसके साथ एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। पिछले साल का अगर हम उदाहरण देखें तो BS इंटर कॉलेज हुआ खेड़ा में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसको लेकर के स्थानीय प्रशासन के शासन के निगाह में काफ़ी पोजीशन खराब हुई थी और उसमें कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बातें आई। बहुत प्रयासों के बावजूद उन कार्रवाइयों से हम उन अधिकारियों को बचा पाए जो उसके रहने में आ रहे थे, क्योंकि जो मैंने पाया था कि उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी, जो कुछ घटना घटित हुई उसमें मेन जो कल्पित थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट या जो वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक थे उनकी कोई फाल्ट नहीं थी, इसलिए फाल्ट न होने का उनको पूरा सपोर्ट भी दिया गया, कोशिश की गई कि उनका अनावश्यक नुकसान। इस बार उत्तर प्रदेश शासन के टारगेट पर मुरादाबाद जनपद इसलिए है कि विगत में घटना कुछ जिलों में हुई थी, जैसे बलिया में घटना हुई थी, बस्ती में हुई थी, मुरादाबाद में हुई थी, एक दो जिलों में और इस तरह की घटना। आपको मालूम है कि जो बलिया में जिस तरह से पेपर आउट हुआ था वो भी आपको जानना चाहिए कि लोगों ने किस तरह से पेपर आउट किया था, जो वहाँ के इस तरह के माफिया लोग हैं जो प्रश्न पत्र होते हैं वो सेम पैकेट में रखे रहते हैं, उन लोगों ने उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि सब्जेक्ट का नाम होता है, उसमें कितने प्रश्न पत्र अंदर है, ये उसमें विवरण विवरण होता है, उस स्लिप को उन लोगों ने निकाल दिया सावधानी से, वहाँ पर एक रेजर से कट किया और उससे पेपर निकाल दिया, पेपर की फोटो कॉपी कराई गई, पेपर को फिर वापस रख दिया गया उस बंडल में और उस स्लिप को ऊपर लगा दिया गया। जब पेपर आउट हुआ वहाँ टीमें पहुंची, SP साहब, DM साहब सभी लोग पहुंचे तो हर एक ने देखा कि नहीं साहब यहाँ तो कोई सील खुली ही नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है सारी की सारी सील। लेकिन जो सूचना तंत्र वहाँ का था वो बार बार कह रहा था नहीं साहब इसी केंद्र से पेपर आउट हुआ है, निश्चित रूप से कुछ आप गलत जाँच कर रहे हो, आपकी जाँच से निशान नहीं है। अल्टीमेटली जब फिर से सावधानी पूर्वक चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें अंदर से कट लगा हुआ है, बाहर से देखने में नहीं लग रहा था, सील नहीं तोड़ी गई थी लेकिन कट करके ब्लेड से उसको पेपर दिखा। ऐसे ही आपको मुरादाबाद की घटना की जानकारी है हुआ खेड़ा की, कि वहाँ पर केंद्र पर सब कुछ ठीक चल रहा था, उसी प्रबंधन का एक डिग्री कॉलेज था वहाँ पर कुछ कापियाँ लिखी जाए। जब DR साहब को मेरे कैंप ऑफिस में सूचना आया, मैंने DR साहब को कहा कि आप तुरंत जाकर देखिए, जब DR साहब गए तो बात सही पाई गई और वहाँ की कापियाँ उस केंद्र की उस डिग्री कॉलेज में रख करके नकल कराई गई। ये उदाहरण से बता रहा हूँ कि किस किस तरह से नकल की संभावनाएँ होती हैं आपको जानना चाहिए, क्योंकि चीज़ों को पकड़ने के लिए उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो एक तो होता है कि आपके केंद्र पर गड़बड़ी होती है, दूसरे कि आपके केंद्र पर तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन कहीं बाहर से उसको सपोर्ट दिया जा रहा है,
तीसरा एक होता है कि बोल बोल करके नकल कराई जाती है, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी काफी होते हैं तो बोल बोल करके नकल कराते हैं। एक हम लोगों का जमाना हुआ करता था कि जब हम लोग केंद्र पर जाते थे तो कई ट्रक कापियां फेंकते थे लोग जो नकल करने वाले लोग होते थे। अब वो सिस्टम टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ तो सिस्टम अब बदल चुका है, अब ट्रकों तो नहीं मिलती है, लेकिन ये सब नई नई तकनीक का इजाद किया जा गया है। हमें इन सबसे साफ करना है। इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि देखिए, बेसिकली परीक्षा कराने की प्रारंभिक जिम्मेदारी केंद्र व्यवस्थापक की है, उनके साथ अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए, सुपरविजन के तौर पर आपको लगाया गया है, तो आपका केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक के साथ बेहतर तालमेल होना चाहिए। तालमेल नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट पॉजिटिव सेंस, कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, उनके सिस्टम को पूरा समझ लीजिए, कितने बच्चे वहाँ आए हैं, बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, परीक्षा समय से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है, पेपर समय से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, और कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंस तो नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा वहाँ के लोगों से अपना इंटेलिजेंस गैदर करिए। अगर एक व्यक्ति डीएम बगले पर फोन करके बता सकता है कि यहाँ इस तरह गड़बड़ी हो रही है, तो अगर आप लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस गैदर करेंगे तो आपको लोकल जानकारी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। बाकी हमारा जो पुलिस तंत्र है, जो एलआईयू तंत्र है, पूरी तरह से लगा हुआ है। एसटीएफ भी इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसटीएफ को भी निर्देश दिया है, वो भी लगातार काम कर रहे हैं कि इस तरह के कोई तत्व आते हैं तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, इसमें एनएसए भी शामिल है। बैठक में मौजूद अपर जिला अधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने कहा, किसी भी जिले में पेपर लीक होता है या फिर परीक्षा में कोई भी समस्या आती है तो मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद पूरे शहर का अच्छा संदेश नहीं जाता, ऐसे में हम सबको जो कमियां हैं उनके सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। प्रशासन ने अपनी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली है। पिछली बार ऐसा कुछ भी हो गया था कि थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगा था, खराब सी स्थिति थी। इन सब चीजों को हम दोबारा रिपीट न करें, उन सब से बचने के लिए इस बार ये सारी व्यवस्थाएं की गई। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इतना लगा सकते हैं कि ये दो मीटिंग है जिसमें डीएम साहब आकर के बैठे, पिछली बार केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठे थे पंचायत भवन में, और इस बार आपके साथ बैठे। सिर्फ वो काम सर्चराइज करना है कि हम अगले दिन कभी न्यूज पेपर में ना, पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान हमसे ऐसा कोई काम या ऐसा कोई उसमें कुछ छूट न जाए कि हम अगले दिन पेपर में आ जाए। पेपर में आने में सबसे बड़ी बात यह होती है कि सिर्फ सेंटर प्रभावित नहीं होता है, हमारा पूरा सिस्टम प्रभावित होता है, और अच्छा नहीं लगता है जब डीसी में कहा जाता है कि इस जिले में ये हुआ या इस जिले में ये हुआ। उससे बचने के लिए आपको रखा गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हमारे हैं वो स्टेटिक मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको सबसे ज्यादा विजिलेंट रहना है, अपने सामने पूरी प्रक्रिया होनी है इनके सामने, चाहे वो कॉपी बांटना हो या स्ट्रांग रूम से पेपर निकालना हो, उसको पहुंचाना, कॉपियों का जमा करवाना बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, और इनका विजिलेंट होना उतना ही जरूरी है। तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट जितने भी होंगे ना, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को विजिलेंट रखें, और वहां पे वास्तव में मजिस्ट्रेट जैसा व्यवहार भी करें, लगातार घूमते रहे, देखते रहे कि कहां क्या हो रहा है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। यदि किसी भी शिक्षक को कोई समस्या हो तो वह हमारे मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकता है। सुव्यवस्था की गई है, आप सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। हमने जो व्यवस्था की है उसमें अभी हमारे जो प्रश्न पत्र के केंद्र हैं, अभी फिलहाल जी आई सी पर हमारी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, हमारी गार्ड में पहुँच गई है। अभी मेरे डी आई सर से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इस बार तीन स्थान पर संकलन केंद्र बनाए हैं हमने, तो तीनों जगह पर हमारी आप यार्ड समय से पहुँच जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हम लोग परीक्षा के समय भी और आर्थिक लॉक ड्यूटी रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब वहाँ कॉपियाँ रखी होंगी उस समय से हमारी ड्यूटी वहाँ पर पहुँच जाएंगी। प्रत्येक थाने से ये कहीं पर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, जो संबंधित इस क्षेत्र का भी आपका थाना लगता है, उसी थाने के थाना प्रभारी को वहाँ का सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ काउंटर पार्ट भी बनाया गया है, तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स होंगे वो उनसे भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, और बाकी जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके साथ हमारे यहाँ ड्यूटी एस पी रह के ऑफिस को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है।
जयंत साहब से एक अनुरोध ये रहेगा कि जहाँ पर ज़्यादा महिला परीक्षार्थियों सेंटर्स की सूची भी हमको अगर उपलब्ध करा देंगे तो हम यथासंभव महिला पुलिस की भी नियुक्ति कर देंगे।